दोस्तों, मेरा नाम है सुवो भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं सुवो टीवी। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी टॉपिक का फ्री नोटिफिकेशन को चला जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, सब बिल्कुल फ्री है। चलिए सुबह शुरू करते हैं। बताऊंगा कर्क राशि का राशिफल फरवरी के महीना कैसा जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अभी शुरू करते हैं जॉब से। दोस्तों, कर्क राशि का 10th हाउस का लॉर्ड बनते हैं मंगल देव। दोस्तों, मंगल देव जो कि अपने मित्र के राशि में प्लेस हैं, इसके साथ साथ दोस्तों शनि देव अपने ओन की राशि में रहेंगे। दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, जो लोग बहुत दिन से नौकरी के प्रयास कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट में नौकरी मिलना बहुत ही टफ होता है, उन लोगों को नौकरी मिल जाएगा। आपको सब ध्यान रखना है, जब भी दोस्तों इस समय नौकरी आपको इंटरव्यू देने के जाए, कुछ मीठा आपके जुबान पे लगा के जाने की कोशिश की, मतलब थोड़ा चीनी खा लीजिए या फिर दोस्तों तो दही खा के जाइए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, आप लोग मीठा बोल पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस लाइन पे, इस समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, कहीं ना कहीं दोस्तों इंक्रीमेंट के लिए, इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया समय रहेगा नौकरी में अच्छे पद प्रतिष्ठा पाने के लिए। ट्रांसफर के योग बन रहे, अगर आप पसंदीदा जगह में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों शनि इस समय सर्विस लाइफ में जो भी है दोस्तों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फल सक्षम है, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल आपको दुगना मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर बिजनेस वालों के। देखिए दोस्तों, आपके त्यार एक तरफ सूर्य रहेंगे दोस्तों आपके 7th हाउस पे, और उसके साथ साथ दोस्तों वहाँ पर रहेंगे दोस्तों शनिदेव, तो कहीं ना कहीं 7 तारीख तक यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव समय चल, त्यार तारीख तक यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव समय चल सकता है। जो लोग ऑयल, पेट्रोलियम, लोहा, इसके साथ दोस्तों कैला, कोई भी सर्विस रिलेटेड कोई भी काम करे, कोई भी बिजनेस करे सर्विस रिलेटेड, इंटरनेट से जुड़े हुए, यहाँ पर कोई भी BPO सेक्टर में काम करे, बिजनेस करे इससे रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। खास करके 3 तारीख के बाद से आपको जो दुविधा थी, जो बाधा मिल रही थी सरकार से या फिर कोई नया एक्ट से, तो उससे रिलेटेड आपको बाधा से मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं उससे आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा। 3 तारीख को आपको नया आइडिया मिलेगा या फिर कोई एम्प्लॉय आपको आइडिया देगा, तो इस समय आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। जॉब के लिए अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए करने जाए तो इस समय बहुत बढ़िया, इस समय आप अपना शोरूम भी दूसरी जगह खोल सकते हैं या फिर कोई कुछ बड़ा चेंजेस भी इस समय आपके साथ हो सकता है बिजनेस के रिगार्डिंग, और उससे आपके जो धन है दोस्तों, धन की आगमन बहुत ज़्यादा। आइए बात करते हैं एडुकेशन के लिए। दोस्तों, इस समय जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। दोस्तों, अगर आपने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया तो इसके बाद जो एग्ज़ाम है वहाँ पर अच्छे रिजल्ट कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्या क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, सुबह मन लगा कर पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, शुक्र उसके होने के कारण कहीं दोस्तों इस समय आपको पेन पसंद में थोड़ा सा मन जाएगा, मन भटकेगा, अगर उसको आपको कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। दोस्तों, खास करके जो लोग दोस्तों वाणिज्य सेक्टर में काम करे, मतलब कॉमर्स में, दोस्तों यहाँ पर जियोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों, बोटानिकल पढ़ रहे हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा खासा समय रहेगा यहाँ पर अच्छे रिजल्ट करने के लिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं मैं लव लाइफ के बारे में। देखिए दोस्तों, शुक्र आपने आपके 9th हाउस पे प्लेस होंगे, वो भी उच्च के होकर दोस्तों, और मंगल दोस्तों आपके मित्र के राशि में होंगे, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। लेकिन दोस्तों केतु के साथ होने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई आपके जो पैसा है या फिर आपके वैभव है, आपके जो नए नेम फ्रेम है, वो देख के आएगा, ना कि आपको देख के, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेम पेशन के जाने से बस सावधान है। बहुत दिनों से जिसका लंबा रिलेशनशिप चल रहा है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा, खास करके 3 तारीख के बाद से आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके मैरिटल। देखिए दोस्तों, मैरिटल में थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर होगा, क्योंकि सूर्य शनि आपके 7th हाउस में प्लेस है, तो कहने के आप बहुत लोग जो आप कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को चीट करने के लिए, तो चीटिंग बात करें, अगर आप इसमें चीटिंग करें तो थोड़ा सा नेगेटिव समय चलेगा आपके मैरिटल लाइफ के लिए, तो कोशिश के थोड़ा सा मैरिटल लाइफ की तरफ ध्यान देने, खास करके दोस्तों आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर उसका सेहत भी थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इस समय दोस्तों आपको 3 तारीख के बाद से कहने का समय थोड़ा सुधारने लगेगा, लेकिन कोई छोटा मोटा परेशानी यहाँ पर हो सकता है, तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना है। आपके लिए दोस्तों शुक्र जो आपके 4th हाउस के लॉर्ड है बहुत स्ट्रांग होकर बैठे हैं दोस्तों, और सूर्य दोस्तों आपके 3 तारीख के बाद चलाएंगे आपके 8th हाउस पर, तो यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर बुधाई थे योग रहेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन दोस्तों मैरिटल लाइफ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव समय चल सकता है, थोड़ा सा संभाल के लिए। आइए बात करते हैं हेल्थ रियती, आपके जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वहाँ पर कोई ना कोई चोट चपेट आ सकता है
दोस्तों, हाजमे की परेशानी हो सकता है, शुगर का बीमारी हो सकता है, खास करके आँखों का रिलेटेड कोई अगर बीमारी है तो बढ़ भी सकता है। दांत आपके डेंटिस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जा सकता है, थोड़ा संभाल कर रहे। मंगल सिक्स हाउस में रहने के कारण दोस्तों यहाँ पर आपके जुपिटर केतु रहने के कारण सेतु बहुत सारे होंगे, लेकिन दोस्तों कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कहने के सेतु सब विजय कर पा लेंगे दोस्तों। आते हैं दोस्तों शुक्र यहाँ पर उसके रहेंगे तो कहने के वहाँ पर दोस्तों आपके शनि की भी दृष्टि जाएगी, तो कहने के बहुत सारे मकान माने का या फिर तो घर को नया डेकोरेट करके घर को सजाने का बहुत ही बढ़िया समय है दोस्तों, इस समय कर सकते हैं, अच्छा समय आपको मिलेगा दोस्तों। ट्रैवलिंग के जाने इस समय छोटे मोटे यात्रा पर जाएंगे, एक दिन दो दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए दोस्तों का चिल करेंगे देंगे, तो कुछ तरह के देखा जाए फेवरी में आपके लिए बहुत सा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक चक्कर मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो है बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरी वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी रखते हैं ना।